नीचे की तरफ आ रहा है। लास्ट मोमेंट पे भी अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट मोमेंट पे। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एयर ट्रेड के बारे में। इस एप्लीकेशन से आप लोग कैसे पैसा कमाएंगे और कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है फेसबुक पे, तो ऐसे में कितना हद तक ट्रस्टेड बनता है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। डाउनलोड्स की बात करें, 1 की प्लेस का आपको डाउनलोड देखने को मिल जाएगा। रेटिंग की बात करें, 5 में से 5 स्टार रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, मतलब रेटिंग फुल टू फुल 100% आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपल तरीके से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ट्यूटोरियल आ जाएगा। ट्यूटोरियल को हम लोग स्किप कर देते हैं, उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं और कौन से ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे कर लिया है रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपल तरीके से बेसिकली आप लोग को यहाँ पे पैसा कमाना है ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करेंगे कैसे, चलिए मैं लाइव में आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आप लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एसेट को आपको चूज़ करना होता है। सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ढेर सारा आपको एसेट देखने को मिल जाएगा, तो इनमें से किसी भी एक एसेट को आपको चूज़ कर लेना है जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाएगा। जिसका भी ज़्यादा है, जो भी आपको पसंद है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते उसका ग्राफ चार्ट आ चुका है। इस ग्राफ चार्ट को प्रेडिक्ट करना है कि इसका जो प्राइस पॉइंटर है वो अगले एक मिनट के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगले एक मिनट के लिए ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर आप इस एक मिनट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लाइक आप अगर डेढ़ मिनट के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप दो मिनट के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दो मिनट का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद क्या करना है, एक ट्रेडिंग में आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 30 रुपये बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसको मैंने बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा देता हूँ 50 रुपये। देखिए ऊपर की तरफ मैंने कैसे लगाया, जैसे मैंने कॉल के ऊपर क्लिक किया मेरा ट्रेडिंग यहाँ पर लग चुका है अगले एक मिनट के लिए। ग्रीन लाइन यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन है वो अगले एक मिनट तक रहेगा, और ये जो ग्रीन लाइन है वो ख़त्म होने से पहले इसका जो प्राइस पॉइंटर है वो ग्रीन लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। अगर नीचे आ जाता है तो भी मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर ऊपर चला जाता है तो भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ये ग्रीन लाइन ख़त्म होने से पहले। तो प्रॉफिट अगर होगा तो कितना होगा, अगर नुकसान होगा तो कितना होगा। देखिए प्रॉफिट अगर होगा तो देखिए 50 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं 78% जितना भी पैसा होता है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर नुकसान अगर होगा तो मैंने 50 रुपये लगाया है तो 50 रुपये का ही नुकसान होगा। अभी के टाइम पर देख सकते हैं नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने लगाया है ऊपर की तरफ और यहाँ पे ग्राफ का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहा है। लास्ट मोमेंट पे भी अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट मोमेंट पे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, 39 रुपीज़ का। 50 रुपये मैंने लगाया है, 39 रुपीज़ मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने के बाद ही आप लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको रियल अकाउंट में स्विच करना पड़ेगा। डेमो अकाउंट से आप जितना भी पैसा जीतेंगे वो किसी भी काम का नहीं है, रियल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ रियल अकाउंट में कैसे आएंगे। देखिए रियल अकाउंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे, उसके बाद आपके रियल अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए। तो पैसा कहाँ से ऐड करेंगे, तो देख सकते हैं डिपॉजिट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपल तरीके से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं 155 रुपये से मिनिमम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है डिपॉजिट। तो 155 रुपये से आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप 155 रुपये को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। देने के बाद डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजोन पे, किसी भी एक मेथड को आप लोग यूज़ करके यहाँ पे बेसिकली आसान तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन डिपॉजिट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कम से कम अमाउंट ही कीजिएगा। तो अभी मैं बात करता हूँ
हूँ यहाँ पे जैसे आप लोग डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट किया हुआ पैसा कहाँ पे आएगा, तो देखिए डिपॉजिट जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे पैसा आपका शो हो जाएगा। और बेसिकली मैंने आपको जैसे कि दिखाया डेमो अकाउंट में कि आप लोगों को कैसे ट्रेडिंग करना है, बिल्कुल उसी मेथड से आपको यहाँ पे भी ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग करके जैसे आप पैसे को अर्न करेंगे आपका पैसा यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, जैसे कि डेमो अकाउंट में ऐड कर दिया गया था बिल्कुल वैसे ही ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपके पास 300 से 400 रुपये हो जाएगा आप लोग बेसिकली विड्रॉल लगा सकते हैं। विड्रॉल करेंगे कैसे, देखिए विड्रॉल वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपल तरीके से विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं मिनिमम विड्रॉल कितना है 350 रुपये। 350 रुपये जैसे ही आप लोग अर्न कर लेंगे इजीली अपने बैंक खाते पे यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, जो भी बैंक खाते पे आप विड्रॉल लेना चाहते हैं उसका डिटेल्स भर के आपको विड्रॉल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा फीस जो है कि आपको काट लिया जाता है 3%, जो भी आप पैसा यहाँ पे विड्रॉल करेंगे उसका 3% फीस काट लिया जाएगा इस एप्लीकेशन चार्ज के हिसाब से। तो ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है लाइक आपने अगर 350 रुपये यहाँ से विड्रॉल किया तो फिर आपके बैंक खाते पर 350 रुपये नहीं आएगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं हिसाब लगाया जाए तो करीब यहाँ पे 10 से 10.5 रुपये का यहाँ पे कटौती होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो परसेंटेज है वो 3% काट के आपके बैंक खाते पे आ जाएगा, यानी कि 340 रुपये के आसपास आपके बैंक खाते पे आ जाएगा। तो इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं डिपॉजिट विड्रॉल। अभी बात करता हूँ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है डिपॉजिट को लेकर विड्रॉल को लेकर, तो ऐसे में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे टेलीग्राम पे या फिर मेल आईडी के थ्रू पे जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसको बताकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सही है या फिर गलत है। देखिए इस एप्लीकेशन को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं करना है, आप कम से कम ही पैसा डिपॉजिट कीजिएगा। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो ट्राई करना है तो, क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा इस तरीके की नया जो भी एप्लीकेशन आता है तो काफ़ी सारे बग्स होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसके बाद जो है कि बग्स को फिक्स किया जाता है और अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से काफ़ी लोग पैसा अर्निंग कर रहा है, तो आप लोग भी चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा इस एप्लीकेशन को रिकमेंड मैं करता हूं या फिर नहीं। देखिए इस एप्लीकेशन को मैं बिल्कुल भी अभी के टाइम पर रिकमेंड नहीं करूँगा, बाद में अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिले तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो रेटिंग है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा भी एक भी आपको नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रेटिंग वगैरह है सब कुछ एक तरीके से फेक रेटिंग आप कह सकते हैं कि पैसा देकर भी काफ़ी जगह रेटिंग बढ़वाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ट्राई करना है, पहले आपको खुद से यूज़ करके देखना है। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।